14 फरवरी यानी शुक्रवार, जानिए कैसा रहेगा आपके लिए यह दिन। मेष राशि, अपने विचारों को सकारात्मक रखें क्योंकि आपको डर नाम के दानव का सामना करना पड़ सकता है, नहीं तो आप निष्क्रिय होकर इसका शिकार हो सकते हैं। आप ऐसे स्तोत्र से धन अर्जित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा तक ना हो। जीवन साथी से झगड़ा मानसिक तनाव की ओर ले जा सकता है। बेकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी का एक बड़ा सबक इस बात को मान लेना है कि बहुत सी चीजों को बदलना नामुमकिन है। कोई आपको प्यार से दूर नहीं कर सकता है। आज आप सारे रिश्तों रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांति मिलती हो। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें करता नजर आ सकता है। इंटरनेट सर्फिंग करना आपकी उंगलियों की अच्छी वर्जिश करने के साथ साथ आपका ज्ञान भी बढ़ा सकता है। वृषभ राशि, आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाइयां हल हो जाएंगी। अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो ऐसे लोग नाराज हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं। संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करे। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए आज काफी कोशिशें करता नजर आएगा। कोई फिल्म या नाटक देखकर आज आप मन पहाड़ों में जाने का कर सकता है। मिथुन राशि, हसमुख रिश्तेदारों के साथ अपना तनाव को कम करेगा और आपको जरूरी आराम देगा। आप खुशनसीब हैं कि आपको ऐसे सगे संबंधी हैं। कोई पुराना मित्र आज आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है और यदि आप उसकी आर्थिक मदद करते हैं तो आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। परिवार के सदस्य आपको नजरिए का समर्थन करेंगे। अपनी व्यक्तिगत भावना और गोपनीय बातें अपने प्रिय से बांटने का सही समय है। परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सबको दूर होकर अपने आप के लिए वक्त निकाल पाएंगे। खराब मिजाज के चलते आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपको बेवजह तंग कर रहा है। आज घर का शादी की बात चल सकती है लेकिन आपको यह बात पसंद नहीं आएगी। कर्क राशि, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज आपके ऑफिस की कोई सहकर्मी आपकी कीमती वस्तु चुरा सकती है, इसलिए आज आपको अपना सामान ध्यान से रखने की जरूरत है। घर में उल्लास का माहौल आपको तनाव को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें, महज मुख दर्शक ना बने रहें। जिसे आप चाहते हैं उसके साथ आपका तलख रवैया आपके रिश्तेदारों में दूरी बढ़ा सकता है। अपने किस मित्र के साथ आज समय बिता रहे हैं, लेकिन इस दौरान आप शराब का सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो समय की बर्बादी हो सकती है। वैवाहिक जीवन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, आज आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। आपके किए गए कामों को आज अपने सीनियर्स के द्वारा सराहा जाएगा जिससे आपके चेहरे पर भी मुस्कान दौड़ जाएगी। सिंह राशि, जिस तरह मिर्च खाने को लजीज बनाती है उसी तरह थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है और तभी सुख का असली कीमत पता चल जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह लें। दिन के दूसरे हिस्से में आप आराम करना और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आपका प्रिय आपको खुश रखने के लिए कुछ खास करेगा। जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालों या अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है तो अपना मन खराब हो सकता है। आज भी आप मन स्थिति ऐसी आपकी होने वाली है। अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग तो धरती पर ही है। आज किसी बुजुर्ग के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है, ऐसे में अपने गुस्से पर आप काबू जरूर रखें। कन्या राशि, अपने नकारात्मक रवैये के चलते आप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, यह बात इस बात को समझने का सही वक्त है। हालात के उजले पहलू को देखकर आप पाएंगे कि चीजें सुधर रही हैं। आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। आज के दिन आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यथार्थवादी रवैया अपनाएं और जो आपकी ओर मदद में हाथ बढ़ाए उनको किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। प्रेमी एक दूसरे की पारिवारिक भावनाओं को समझे, जल्दबाजी में फैसले ना करें ताकि जिंदगी में आगे आपको पछताना ना पड़े। वैवाहिक जीवन को आर्थिक सुखमय बनाने के लिए आपके प्रयास उम्मीद से ज्यादा रंग लाएंगे। आपके किए गए कामों को आज आपके सीनियर्स के द्वारा सराहा जाएगा जिससे आपके चेहरे पर भी मुस्कान दौड़ जाने वाली है। तुला राशि, मानसिक और नैतिक शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा भी लें, केवल तभी सर्वगुण विकास संभव है। याद रखें कि स्वास्थ्य शरीर में ही एक स्वास्थ्य दिमाग निवास करता है। अनचाहा कोई मेहमान आज आपके घर आ सकता है जिससे आने से आपके घर में उन सामानों पर भी खर्चा पड़ सकता है जिनको आपने अगले महीने पर टाला हुआ था। आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी ना सुनने की प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद हो सकता है। आपको आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने प्रिय के साथ अच्छी तरह बर्ताव करें। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, आज आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों से परे आपकी अपनी भी एक दुनिया है, उस दुनिया में आज आप दस्तक दे सकते हैं। वृश्चिक राशि,
अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूरे आराम की जरूरत है, नहीं तो शरीर की थकावट आपके मन में निराशावादिता को जन्म दे सकती है। आज किसी पार्टी में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आर्थिक पक्ष में मजबूत करने के लिए आपको अहम सलाह दे। दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों का अनदेखा ना करें, हो सकता है कि वे आपकी जरूरतों को ज्यादा गंभीरता से ना ले। प्यार मोहब्बत के मामलों में जल्दबाजी में कदम उठाने से बचें। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को पढ़ना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की वजह से आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। आज की शाम दोस्ती के नाम कहीं बाहर आप दोस्तों के साथ वक्त का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से जरा संभल कर रहें। धनु राशि, आज आपके पास अपनी सेहत और लुक से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। अपने लिए पैसे बचाने का आपका ख्याल आज पूरा पूरा हो सकता है। आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगे। शाम का वक्त दोस्तों के साथ बिताना दिलचस्प तो रहेगा ही, साथ ही छुट्टी साथ बिताने की योजनाओं पर भी चर्चा होगा। आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे लिंग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। इस राशि के लोगों को शराब सिगरेट से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपका कीमती समय बर्बाद होगा। आज के दिन जीवन साथी पर किया गया संदेह आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। आज घर पर रहेंगे लेकिन घर की उलझनों में आपको परेशान हो सकते हैं। मकर राशि, सेहत अच्छी रहेगी, निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें। किसी दूर के रिश्तेदार से अचानक मिली खबर आपका दिन बना सकती है। जब आप अपने प्रिय के साथ बाहर जाएं तो अपने पहनावे और बर्ताव का नयापन रखें। खाली वक्त आज व्यर्थ की बहस में खराब हो सकता है, जिससे दिन के अंत में आपको खिन्नता भी होगी। आप अपने वैवाहिक जीवन की सारी खराब यादें भूल जाएंगे और आज का भरपूर लुत्फ लेंगे। आज के दिन कुछ ना करें, सिर्फ अस्तित्व का आनंद लें और असहभव का खुद को सरोवर होने दें। स्वयं में भूदौड़भाग का ध्यान भी रखें। कुंभ राशि, आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तेल से मालिश भी करें। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएंगे। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें, उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका ना दें। आज प्यार के मामले में सामाजिक बंधन तोड़ने से बचें। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अपने शब्दों को गौर से चुनें। अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। मीन राशि, दोस्तों के साथ शाम अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा खाने से बचें, क्योंकि आपकी अगली सुबह खराब कर सकती है। आज आपको अपने संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है, इससे आपको काफी खुशी होगी। आप सभी पारिवारिक कर्जे खत्म करने में कामयाब भी रहेंगे। किसी दिलचस्प इंसान से मिलने की प्रबल संभावना है। छात्र छात्राओं को आज काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम पूरे कर ले, ऐसा करना आपके लिए हितकारी है। आज जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। लोगों से दूरी बनाना कई बार जरूरी होता है, लेकिन उन लोगों से दूरी ना बनाएं जो आपके शुभचिंतक हो। रोजाना इसी प्रकार राशि संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप असल आस्था को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन